ये ड्रेस का हॉल करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं ठीक है मैं बिल्कुल भी अपने चैनल पे लाइकरा के कपड़े प्रमोट नहीं करूंगी हालांकि लाइकरा के कपड़े बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं बट लाइकरा के कपड़े अगर आप काफी टाइम तक पहनते हैं काफी देर तक पहनते हैं तो आपकी बॉडी पे स्किन एलर्जी होने का ज्यादा डर रहता है क्योंकि लाइकरा का जो फेब्रिक है स्पेंडिक्स भी जिसको कहता है इसमें ना टेंडेंसी नहीं होती है इसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये जो आपका पसीना होता है ह्यूमिडिटी से जो हमको स्वेटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब करे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उसकी वजह से स्किन में एलर्जीज होती है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लाइक्रा के कपड़े को बहुत ज्यादा देर तक पहने रखें तो हाँ ये डिस्कलेमर था चुप जा मैं बना लू हॉल वीड का बेल्ट आई एम सुपर हैप्पी मैं बहुत ज्यादा मीशु का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं उनका ये एहसान कभी अपनी जिंदगी में नहीं से उन्होंने पट्टा लगाया हुआ और आगे से उन्होंने गुच्छी लगा के दिया तो अब मुझे गुच्छी का बेल खरीदने का कोई जरूरत नहीं है ये सारे पार्सल मेरे पास है इसमें से एक ड्रेस मिसिंग है तो उसका मैं शॉट बना के डाल दूंगी सो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट प्रीवियस मीशो हॉल वाज अ डिजास्टर आई थॉट कि क्यों ना फिर से मीशो का ड्रेस हॉल किया जाए सो यस आई एम बैक विद याट अनदर मीशो ड्रेस हॉल

Zebra print dress and zebra print में ही है वो ब्लैक एंड व्हाइट है जो की है गुची की बेल्ट <laughs> जो की बाजार में मिलती है बहुत महंगी और मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ दो सौ अड़तालीस रुपए में वो भी एक ड्रेस के साथ तो यस इट्स अनविन फॉर मी एंड आई नो दैट आई एम ओवर रियक्टिंग बट कोई बात नहीं मैं खुश हुई यार गुच्छी की बेल्ट मिली है का बेल्ट आई गॉट गुची का बेल्ट बहुत ही प्यारा सा ये का बेल्ट इन्होंने दिया पीछे से इन्होंने पट्टा लगा <laughs> <laughs> तो मैं मीशो का ये एहसान रुक जाना तो मैं कभी भी मीशो का ये एहसान नहीं भूलूंगी थैंक यू सो मच मीशो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौन है ये लोग कहा से आते हैं तो ड्रेस कुछ ऐसी है गाइस देख लीजिए आई थिंक आई थिंक ये पूरा हॉल का सबसे प्यारा ड्रेस है शॉर्ट ड्रेस है प्रिंटेड है जेबरा प्रिंट है और पॉलिएस्टर का कपड़ा है काफी बहुत ज्यादा स्मूद है बट इस ड्रेस में ना कुछ ऐसा अटपटा सा चीज है यहाँ पे को जो ये इलास्टिक है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा सा दिया हुआ है देखिए ना जरा देखिए टेढ़ा लग रहा है तुझे हाँ तो इन्होंने ना गला ही टेढ़ा इन लोगों ने ऐसे ना बना दिया है बट दो सौ अड़तालीस रुपये में क्या ही ले सकता ना इंसान कमर में ऐसे इलास्टिक है ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और अगर ये नीचे से जो नीचे वाला पार्ट है इस नीचे वाली पार्ट की बात करें तो जो ये नीचे वाला पार्ट है ये प्लीटेड पार्ट है तो इसमें ना प्लीट्स है इसका लेंथ मैंने आपको बता दिया कि इसका लेंथ होगा शॉर्ट लेंथ और बाकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे स्लीव्स हैं ये हमारे फुल स्लीव्स हैं एंड सबसे बड़ी बात की टाइट होने वाली स्लीव्स नहीं है काफी खुले बाजू हैं काफी खुलेदार बाजू हैं तो हवा आती रहेगी हल्का सा इन्होंने पफ देने की कोशिश करी है बट ये पफ नहीं दे पाए शायद इनके पास कपड़ा कम हो गया होगा ये पफ देना चाह रहे थे बट उनसे कुछ गड़बड़ हो गई बट कोई बात नहीं दो रुपए में काफी सही है कोने से इन्होंने बेल्ट गुची का बेल्ट डालने के लिए इन्होंने प्यारा सा ऐसे लूप लूप दिया हुआ है तो इस लूप में मैं अपने गुची की बेल्ट डालूंगी सो दो सौ दिस इज द परफेक्ट बाई फॉर मी दिस इज द परफेक्ट डील फॉर मी अमीरो वाली फीलिंग जिसमें वो बाथरूम पहन के निकलता है नहीं सॉरी नाइट सूट पहन बाथरूम सॉरी सॉरी मैं अमीर नहीं होना मुझे कैसे पता होगा बाथरूम और उसमें नाइट सूट पहनता <laughs> अगला जो ड्रेस है मेरे पास ये है बहुत ही प्यारा सा मरून कलर का ड्रेस है फटाफट से खोल के देखते हैं कैसा है कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट है इसमें तो आई डोट नो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ड्रेस कपड़ा काफी अच्छा लग रहा है मुझे रेन का कपड़ा है ये और इसकी लेंथ देख लीजिए गाइस ऐसा कुछ है आप सभी लोग इससे लेंथ का आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या लेंथ रहेगा तो अभी पहन के दिखाऊंगी मैं कितना खतरनाक लग रहा है मैं क्या बताऊं तुम्हें आई मीन द साइज मीडियम और हाँ इन्होंने मुझे मीडियम ही भेजा इन्होंने इस बार कोई गलती नहीं करी करी है, कर, इन्होंने इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, गलती इन्होंने कोई गलती नहीं करी करी और इन्होंने कोई भी गलती नहीं करी है और मीडियम uh, साइज ही भेजा है स्लीव्स इसका शॉर्ट स्लीव्स है और uh, इसमें आप देख सकते बड़ा बड़ा सा फ्लोरल प्रिंट दिया है अभी फोटो साइड में लगाऊंगी ना आपको अंदाजा आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बहुत छोटे छोटे से प्रिंट्स थे बट इसमें ना बहुत बड़ा बड़ा सा प्रिंट्स है प्रिंट दे रखा है और कलर ना प्रिंट का जो कलर है वो येलो कलर नहीं है ये समथिंग येलो से थोड़ा सा डल है व्हाइट से थोड़ा सा डार्क है कुछ क्रीम नहीं है भाई ये देखना क्रीम कलर नहीं है फिनिशिंग तो बहुत ही खराब है क्योंकि धागा ऐसा निकल रहा है निकल गया धागा इसको फेंको बट 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 मुझे गुची की बेल्ट के लिए एक ड्रेस मिल गई और यह है इसमें मैं गुची का बेल्ट जरूर दो 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 दो। कोई बात नहीं मैं लगा के दिखाऊंगी आपको कि इसमें गुची का बेल्ट कैसा लग रहा है बाकी मीडियम uh, के हिसाब से इन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही फैला साइज दे दिया है क्योंकि मीडियम ऐसा नहीं है मीडियम इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं आता है अगर बात करें ड्रेस की तो ड्रेस में ना यहाँ से ऐसे फ्लेयर बना के दिए तो बहुत ही प्यारा सा लेंथ काफी अच्छी है अगर आपका स्टाइल है तो आप मंगा सकते हैं प्राइस इसका है तीन सौ बारह रूपए और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है तीन सौ बारह रूपए के हिसाब से ठीक है डेली यूज के लिए इस, इतना भी कुछ बुरा नहीं है मूविंग ऑन टू तो द नेक्स्ट ड्रेस अगला जो ड्रेस है मेरे पास उसका प्राइस है दोस्तों बेठा दोस्तों वो है थ्री एटी रुपीज का और जो ये थ्री एटी रुपीज का ड्रेस है इस ड्रेस का नाम है सुमेर ड्रेस फॉर वुमेन सीरियसली क्या बोला तूने? बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत लग रहा है मुझे तो लग रहा है बाकी अब बहनों को पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है नेक इसका वी नेक है और लेंथ है इसका क्या है मिडी लेंथ है और इसमें ना नीचे से ना ऐसे कट टाइप का दिया है इतना प्यारा सा ये ऐसे करके प, 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 <laughs> स्लिट 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 टाइप का दिया हुआ है और फूल पत्तों की अगर बात करें तो इसमें बहुत अलग अलग कलर के फूल हैं एक येलो कलर का फूल है और इसमें ना ब्राउन कलर के पत्ते दिए हुए हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा सा ये प्रिंट है बहुत समरी वाइब दे रहा है एज यू कैन सी ये स्टेप है और जो स्टेप्स है ना ये एडजस्टेबल स्टेप्स है मतलब आप इनको ना एडजस्ट कर सकते हो ऐसे करके ऐसे एडजस्ट इसको किया जा सकता है मुझे ऐसा लगा था जब मैंने ये ड्रेस मंगाई थी ना तो मुझे ऐसा लगा था कि इसका कपड़ा ना क्रेप का कपड़ा आएगा बट बिल्कुल ये मेरी क्या बोलते हैं उसको बिल्कुल ये मेरी उम्मीदों पर नहीं खरा उतर पाया बट स्टिल बट स्टिल बिल्कुल मैं कंप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये ड्रेस प्यारी तो लग रही है पहनने लायक तो है ऐसा तो है नहीं ना कि पहनने लायक भी नहीं उन्होंने भेजी है तो मीशो जो है पिछले हॉल से तो कम से कम थोड़ा सा कम डिजास्टर्स है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस तो नेक्स्ट जो मेरे पास ड्रेस है उनका प्राइस है दोनों का प्राइस सेम है थ्री एटी सिक्स रुपीज तीन 300... सो इक्यासी छियासी छियासी तीन सौ छियासी रुपीज काउंट कर रहा है यार मैंने सीरियसली मुझे रिवीजन करना पड़ेगा तो अगला ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस है इस ड्रेस में बस एक ही कमी है इसमें ना जो ये पत्ते फूल पत्ते दे रखे हैं ना ये बहुत ही ज्यादा पर्पल कलर के हैं थोड़ा सा हल्के पर्पल होने चाहिए था हालांकि मुझे पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद है बट ये तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही है ये फूली पेड़

एटी फोर रुपीज में मिंत्रा में काफी अच्छी अच्छी ड्रेस सौ चौरासी तो रुपए के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है दो सौ रुपए में मिलता तो ठीक था अगला जो लास्ट ड्रेस है आखिरी ड्रेस है ये मेरे पास है ब्लैक कलर का मुझे लगा था ये ड्रेस काफी अच्छा लगेगा मेरे ऊपर बट मैंने पहन के देखा अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग मुझे बताना की मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है अगर अच्छा लग रहा होगा आप लोग बोलोगे की अच्छा लग रहा है तो मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगी अदरवाइज मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा कितना प्यारा ये लग रहा है मैक्सी ड्रेस है बहुत ही ज्यादा प्यारा है गुची की बेल्ट के लिए एक और ड्रेस मिल गया तो ड्रेस का जो फैब्रिक है वो ना जॉर्जेट का फैब्रिक है बाजू बहुत ही ज्यादा प्यारे से बलून बाजू दिए हुए हैं और एंड में इसमें क्या दे रखा है इलास्टिक दे रखा है लेंथ मैक्सी लेंथ है और हल्के छोटे छोटे से डॉट्स दे रखे हैं आपको दिख ही रहा होगा ऐसे डॉट्स हैं इसमें ऐसे इलास्टिक दे रखा है और इलास्टिक का फायदा ये होता है ना कि एडजस्ट हो जाती है बॉडी इलास्टिक के अंदर इसके अलावा अंदर से इन्होंने ऐसे लाइनिंग दे रखी है अच्छा लाइनिंग का ये इन्होंने खराब कर दिया कि लाइनिंग इन्होंने अब बहुत ही बहुत गंदे कपड़े की लाइनिंग दी है इतना कोई ऐसा अच्छा कपड़ा नहीं है अगर ये हल्के कपड़े की भी लाइनिंग देते तो, तो भी ज्यादा ठीक होता तो इसके साथ मेरी हॉल खत्म हो चुकी है और आई होप आपको ये हॉल वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको ये हॉल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इन सारी ड्रेसेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जो एक रिमेनिंग ड्रेस है उसका मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगी आ, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अगला जो वीडियो है वो मिंत्रा का कुर्ता हॉल आने वाला है ये कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है ये मैंने मिंत्रा से ही मंगाया है तो इसका जो हॉल वीडियो है वो अगला आएगा एंड हाँ वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे एंड आइकन जरूर दबा देना आप सभी से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय टेक केयर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा